भैया मनीषा के एग्जाम क्या चालू हुए, सचिन तो दर दर भटकने लगे। मतलब बिना मनीषा के सचिन को कहीं देखा नहीं है, सचिन को ज्यादा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जब भी जाते थे दोनों भैया साथ जाते थे। और जब इन्हें अटपटा सा लगता है इन दोनों को अलग अलग देखते हैं तो, क्योंकि हमारे हिसाब से तो भैया जोड़ी साथ में रहे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है। पर कुछ लोग हैं जैसे जिया शाश्वत हो गए और क्या नाम है रुद्र पूजा हो गए, तो इन लोगों को देखते हैं। इन लोगों को जो अभी हाल ही में एक वीडियो आ रहा है विजेरिया ब्लॉक्स के, वहां जब ये गए हुए हैं, उनके बेबी हुआ है तो उनके जो पूजन है उसमें गए हुए हैं, तो उनमें ऐसा कुछ नहीं लगता है कि पैसे का थोड़ा बहुत घमंड आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, लोगों को पहचानते हैं, परख रहे हैं, सब चीजें अपनी मतलब चीजें समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भैया आज पैसा आ गया तो उसका दिखावा कर दो और सामने वाले लोगों को उसकी औकात दिखाने बैठ जाओ। तो ऐसा करने से क्या चीजें होती हैं, इंसान ये बात भूल जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो कर्मा हमेशा लौट के आता है। आज आपको ऑडियंस पसंद कर रही है वो सिर्फ आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसकी वजह से ऑडियंस पसंद कर रही है। आपके चैनल पर रिच आई वो किस वजह से आई, भैया फैमिली ड्रामा अगर होगा तो ऑब्वियसली बात है कि ऑडियंस है वो देखने को, उनको मिलेगा एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट अगर उनको मिलेगा तो वो एंटरटेनमेंट उनके लिए क्या है, घर की चिकचिक लड़ाई क्लेश वही सब चीजें तो ऑडियंस देखना पसंद करती है। रियलिटी और सच्चाई तो ऑडियंस को पसंद ही नहीं आती है, क्योंकि अगर हम कुछ भी ऐसी चीज है ना नॉलेज वाली चीज अगर पोस्ट करते हैं तो रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता ऑडियंस को। अभी बताते भैया फलाने के घर में ये हो गया, मनीषा ने ये कर दिया, सचिन ने ये कर दिया, और भैया किटो ने ये कर दिया, जिया शाश्वत ने ये कर दिया, तो मतलब अब भी रियली पहली तरीके से व्यूज पे भरमार हो जाएगी। पर मैं आपको बताऊं, मैं जो भी कहती हूँ हमेशा से बात ऐसी रखती हूँ जिसमें आपको भी लगता हो कि हाँ ये बात हमारे माइंड में भी आई थी पर हम बोल नहीं पाए, ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोग इन चीजों को लेके चल रहे हैं, सचिन मनीषा को, सॉरी हाँ छींक आ गई मेरे को, सचिन मनीषा को लेके बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर ट्रॉलिंग हो रही है कि सचिन बार बार मनीषा को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अभी हाल ही में मनीषा के भाई भी चले गए हैं अपने घर, तो अब मनीषा और उनकी बहन अब अकेली हो गई हैं, और बहुत जल्द अब सचिन और मनीषा बिहार जाने वाले हैं। उनके घर में फंक्शन शादी की तैयारियां चल रही हैं, आंटी अकेले ही बहुत कुछ मैनेज कर रही हैं। पर एक बात मैं आपको बताऊं, जो आपको दिख रहा है क्या रियल में वही है? सच बताइएगा, क्या आपको लग रहा है कि रियल में वही है? बिल्कुल भी नहीं। इसके ऊपर प्रॉपर बड़ी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए, कल या परसों शायद मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो दे दूं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चलते फिरते जो भी मन में आया वो वीडियो बना के दे दिया, ऐसा नहीं करना। जो भी देना है सच्चाई और प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि आपका साथ आगे तक चाहिए तो इसीलिए आपका भरोसा भी चाहिए। कुछ भी आज बोल के चली जाऊंगी, एक दिन आप इस चीज को देख लेंगे, नेक्स्ट टाइम आप देखने नहीं आएंगे। अगर वीडियो सामने जाता है तो आप क्या कहेंगे, वेली है, यूं ही कुछ भी बोलती चली जाती है। तो वो चीजें नहीं करनी है हमें, रियलिटी दिखानी है, और रियलिटी में ही हम विश्वास रखते हैं। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आपकी क्या राय है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और बेल आइकन कर दीजिएगा ऑल पे क्लिक। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।